तो दोस्तों इस स्मार्ट वॉच को मैं कर रहा हूँ गिव अवे। अगर आपको जीतने वाली स्मार्ट वॉच तो पूरी वीडियो जरूर देखना, एंड में आपको सब कुछ पता लग जाएगा। दोस्तों हमारे पास आ गई है फायर बोल्ट की काफी कमाल की और तगड़ी स्मार्ट वॉच। इस साल की सबसे पहली, सबसे क्लासिक, सबसे बढ़िया स्मार्ट वॉच है ये फायर बोल्ट की इन्फिनिटी। और भाई ये जो बॉक्स है ना, देख लो कितना बड़ा है। यहाँ पर वॉच भी आपको बड़ी मिलेगी, डॉक्यूमेंटेशन भी आपको सही मिलेंगे, और जो चीजें है ना इसके अंदर वो सबसे बड़ी मिलेंगी। तो पूरी वॉच की बात करेंगे, जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। वॉच का डब्बा आपने देख लिया भाई, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। डॉक्यूमेंटेशन कुछ ऐसे देखने को मिल जाएंगे। चार्जिंग केबल कुछ ऐसी है, लेकिन ये पोको पिन वाली है, लेकिन कुछ डिफरेंट चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा आगे। और भाई स्मार्ट वॉच कुछ ऐसी आप लोगों को देखने मिलेगी, अभी तो ऐसे देखो, लेकिन अब बात करते हैं इसकी। तो यहां पर सबसे पहले लुक, बिल्ड और डिजाइन। यहां पर सबसे पहले जो बिल्ड है ना वो सबसे बढ़िया आपको मिल जाती है। यहां पर आपको मेटल की फिनिश मिलती है, जो इसके स्ट्रैप्स हैं बहुत कमाल के हैं, 22mm वाले हैं, और भाई इनकी जो क्वालिटी है काफी अमेजिंग है। पीछे यहाँ पर आपको पॉलीकार्बोनेट जरूर मिलता है, जो कि सेंसर वगैरह वाला एरिया है, लेकिन वहां से कोई दिक्कत यहाँ पर है नहीं। सेंसर है, पिंस मिल जाती हैं, और जो इसका क्राउन बटन है वो कुछ ज्यादा ही अमेजिंग आपको मिलता है। 3 बटन साइड में मिल जाते हैं, और यहाँ पर अगर आप हाथों में पहन के देखते हो तो भाई बहुत सही फिटिंग आती है इस वॉच की, और काफी कूल लगती है। हाँ, जिनके बहुत ज्यादा पतले हाथ हैं उनको थोड़ी सी बड़ी लग सकती है, लेकिन नॉर्मल हाथ है या फिर थोड़े से मोटे हाथ है भाई बहुत सही लगे। इवन गर्ल्स भी इसको ट्राई कर सकती है, कलर बहुत ही प्यारा इन्होंने दे रखा है। इसके बाद अगर बात करूं तो यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले साइज मिल जाता है 1.6 इंचेस का, और भाई सबसे बड़ी डिस्प्ले अभी तक राउंड डिस्प्ले के अंदर। और यहाँ पर आपको 600 nits की पीक ब्राइटनेस, 60Hz का पैनल, और ये HD डिस्प्ले। एमोलेड का फीचर नहीं है, लेकिन ब्राइटनेस काफी ओपी है, कलर वगैरह काफी अमेजिंग है, और इवन इसका जो रेजोल्यूशन है वो भी काफी बढ़िया है, 400x400, काफी बढ़िया आपको जो आउटपुट है वो निकाल के देता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई यहाँ पर आपको जो आउटडोर में ब्राइटनेस है वो कैसी मिलती है। यहाँ पर मैंने पहन के देखा, वेकअप मोड काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा है, बाहर धूप तो नहीं निकल रही थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो ब्राइटनेस है काफी अमेजिंग आपको मिल जाएगी। तो सो बात करना चाहूंगा इसके टच रिस्पॉन्स UI, और उसके बाद हम फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो टच रिस्पॉन्स मिलता है बहुत ज्यादा अमेजिंग है। हालांकि यहाँ पर आपको कोई कर्व डिस्प्ले नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पर जो उसका बॉर्डर है वो उसको कवर कर लेता है, लेकिन फिर भी इसका जो टच रिस्पॉन्स है काफी स्मूथ है। इवन जो यहाँ पर UI मिलता है वो काफी अमेजिंग है, पिछली जो स्मार्ट वॉचेज है ना फायरबोल्ट की उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं मोड्स वगैरह चेंज करने के लिए, फिर UI स्टाइल चेंज करने की, तो 7 स्टाइल्स मिलते हैं इसके अंदर, जहां पर आप भाई अलग अलग तरीके से इनको चेंज कर पाओगे। इवन जो इसके फॉन्ट्स वगैरह हैं, कलर कॉम्बिनेशन जो चूज कर रखे हैं वो भी काफी बढ़िया लगते हैं। अब बात करते हैं फीचर्स की डिटेल के साथ, वॉच के अंदर क्या क्या मिल जाता है। तो गाइस बात कर रहे थे इसके फीचर्स की, UI तो मैंने बता दिया आपको, और अंदर क्या क्या मिलता है इसकी बात करते हैं। सबसे पहले ऊपर से नीचे की तरफ स्लाइड डाउन करोगे तो यहाँ पर देखो आपको कंट्रोल सेंटर मिल जाएगा, जहां पर आपको ऐप, ब्राइटनेस, सेटिंग्स, बैटरी, और यहाँ पर आपको डू नॉट डिस्टर्ब, रिस्ट, वेकअप मोड, और यहाँ पर आपको ब्लूटूथ, यहाँ पर आपको UI चेंज करने का ऑप्शन, और आई के अंदर आपको डिवाइस के बारे में इंफॉर्मेशन, स्पीकर का यहाँ पर आपको मतलब इसे बंद करते ही मतलब ये साइलेंट मोड पर चली जाएगी फ्लैश लाइट, और यहाँ पर आपको जो स्क्रीन ऑफ है उसका टाइम में यहाँ पर मिल जाता है। नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो नोटिफिकेशन देखने को मिलती है, और ये जो तीनों बटन है अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ऊपर से यहाँ पर आपको मेन मेन्यू, यहाँ से ये स्क्रीन ऑफ ऑन, और यहाँ से आप सीधे ही इसके स्पोर्ट्स मोड में जा सकते हो। इसके बाद अगर बात करूं तो इस तरफ अगर जाओगे तो यहाँ पर आपको शॉर्टकट्स देखने को मिल जाएंगे, और इस तरफ आपको कॉलिंग से रिलेटेड जो फीचर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। रिसेंट कॉल, कॉन्टैक्ट, यहाँ पर आपको जैसे ही मतलब इस पर प्रेस करोगे तो आपके वॉच के अंदर सारे कॉन्टैक्ट आ जाएंगे जो आपके फोन के साथ है, बस आपको पेयर करना पड़ेगा अपनी वॉच को ऐप के साथ। डायल पैड का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो म्यूजिक कंट्रोल है, और यहीं से आप मतलब TWS कनेक्शन का जो ऑप्शन है उसमें जा सकते हो। यहाँ पर जाओगे ना TWS मोड का ऑप्शन आता है, इसी से जाके आप पेयर कर सकते हो TWS को, ब्लूटूथ ऑन कर देना बस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको वॉइस असिस्टेंट का फीचर मिलता है, यहाँ पर आपको वेदर अपडेट है, और यहाँ पर आपको SP2 का जो फीचर है वो मिल जाता है। अब वहीं अगर मैं बात करूँ तो मेन मेन्यू के अंदर क्या क्या मिलता है, इस बटन को प्रेस करूंगा यहाँ पर आपको स्पेडोमीटर देखने को मिल जाएगा, HR मॉनिटरिंग है, ब्लड ऑक्सीजन, ब्लड प्रेशर, स्लीप मॉनिटरिंग, स्पोर्ट्स मोड यहाँ पर आपको 300 मिल जाते हैं, स्पोर्ट हिस्ट्री है, म्यूजिक कंट्रोल है, वेदर अपडेट है, डायल पैड है, कॉन्टैक्ट है, रिसेंट एप्स है, मैसेज है, AI वॉइस असिस्टेंट का फीचर दे रखा है। इसके बाद कैलकुलेटर का फीचर भी इसके अंदर मिल जाता है, ब्रीथ का ऑप्शन मिल जाता है, गेम्स यहाँ पर आपको 5 गेम्स देखने को मिल जाती है जो काफी कमाल की चीज है। स्नेक वाली गेम भी भाई इसके अंदर आपको मिल जाती है, आपकी बार थोड़े से प्ले करके देख लें, तो अभी थोड़े से मेरे को टाइम लगेगा खेलने के लिए, लेकिन बता दे रहा हूँ आपको ऑप्शन ये मिल जाते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन मिलता है वो है अलार्म क्लॉक का, टाइमर का ऑप्शन मिल जाता है, कैमरा का कंट्रोल मिल जाता है, सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है। सेटिंग्स के अंदर आपको डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है, जहां पर आपको क्लॉक स्टाइल यानी कि वॉच फीचर चेंज करने का ऑप्शन, स्क्रीन ऑन ऑफ कितनी देर में हो जाए उसका ऑप्शन, म्यूजिक मोड,
या फिर आपको मिल जाता है कनेक्शन का ऑप्शन, या फिर लोकल म्यूजिक, फोन मोड और TWS कनेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है। सेट टाइम का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि बिना ऐप के भी आप इसमें सेट टाइम कर सकते हो। और यहाँ पर आपको वाइब्रेशन की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी करनी है, कम ज्यादा, यहाँ पर आपको तीन लेवल मिल जाते हैं। ब्राइटनेस का ऑप्शन है, व्यू मोड का ऑप्शन मिल जाता है, सेट लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाता है, डू नॉट डिस्टर्ब पावर, सेम मोड, USB मोड। अब जैसे इस मोड को आप लगा लोगे ना, तो आप अपने लैपटॉप से या फिर PC से लगा देना, म्यूजिक यहाँ पर आप डाल सकते हो उसके अंदर, या फिर चार्ज हो जाएगी आपकी वॉच। अबाउट का ऑप्शन और सिस्टम मेन्यू का जो ऑप्शन है वो भी इसके अंदर मिल जाता है। बाकी ये फीचर थे, अब जो की हाईलाइट फीचर की बात कर लेते हैं। तो इन सारे फीचर्स के बाद यहाँ पर आपको मिल जाते हैं कई सारे की फीचर्स भी। सबसे पहले यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर मिलता है, और यहाँ पर आप कॉल कर सकते हो, सुन सकते हो। इवन यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट अब देखने की जरूरत नहीं है फोन के अंदर, इसके अंदर डायरेक्ट आप जितने भी कॉन्टैक्ट है आपके फोन के अंदर सारे एक्सेस कर सकते हो, वहीं से कॉल कर सकते हो। इवन जब कॉल आती है तो भाई आप यहाँ पर आपको वन टैप साइलेंट का फीचर मिल जाता है, जो काफी कमाल की चीज है। अभी तक फायरबोल्ट के अंदर ये मिसिंग रहती थी, और भाई ये चीज बहुत बढ़िया करी है इस बार फायरबोल्ट ने। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको 4GB का स्टोरेज मिलता है वॉच के अंदर ही, तो आप लगभग 200 से 300 गाने या फिर कुछ भी यहाँ पर आप ऐड करवा सकते हो, इसके अंदर पेयर कर सकते हो अपने TWS के साथ। तो आपको कोई भी फोन ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका MP3 प्लेयर आपके साथ हमेशा रहेगा। तो अगर आप रनिंग करते हो, कुछ भी करते हो और आपको फोन लेके जाना पड़ता है, भाई अब नहीं जाना पड़ेगा इस वॉच के साथ। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट सेव करने का ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि जितने भी कॉन्टैक्ट है ना सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। वहीं यहाँ पर आपको 300 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं इस वॉच के अंदर, और भाई 110 वॉच फेसेस तो वॉच के अंदर है, और टोटल 122 वॉच फेसेस आपको मिल जाते हैं। तो आप उनको कभी भी लगा सकते हो, कैसे भी लगा सकते हो, अपने कस्टमाइज वॉच फेसेस भी आप इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो, और वो काफी बढ़िया जो डिस्प्ले है वो यहाँ पर नजर आती है। इसके साथ साथ ये पूरी तरीके से क्राउन इसका जो वर्किंग है, आप यहाँ से भी वॉच फेसेस अपने पूरे ही चेंज कर पाओगे, और ये IP67 वाटर रेटिंग के साथ आती है, तो पानी वगैरह से घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ यहाँ पर ये झेल जाएगी और कोई प्रॉब्लम है नहीं। वैसे क्या बताऊं मैं कॉलिंग का टेस्ट डाल दे रहा हूँ एक, ताकि एक अंदाजा लग जाए आपको स्पीकर का आउटपुट कैसा है और कॉलिंग के अंदर एक्सपीरियंस कैसा रहता है इस स्मार्ट वॉच का, वो भी आपको अंदाजा लग जाए। और गाइस ये वाली जो वॉच है ना iOS और Android दोनों के साथ पेयर हो जाती है, और कॉलिंग का एक्सपीरियंस भी आप दोनों के साथ यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैं कॉल टेस्ट कर रहा हूँ, ये इसके स्पीकर का आउटपुट है। इसके बाद मैंने स्विच कर दिया इसके माइक्रोफोन पर, तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा भाई इसका जो माइक्रोफोन है वो कैसे काम करता है और कैसी आउटडोर में या फिर इंडोर में जो ऑडियो है वो आएगी। वैसे तो ये इंडोर ही है, लेकिन आउटडोर में भी लगभग कुछ ऐसी ऑडियो आपको जाने वाली है दूसरे इंसान तक। तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो कि भाई आपको माइक्रोफोन का आउटपुट कैसा लगा। गाइस बात करते हैं सेंसर्स वगैरह की, और जो यहाँ पर आपको सेंसर मिल जाते हैं, HR मॉनिटरिंग, SPO, स्लीप मॉनिटरिंग, ये सारे मिल जाते हैं। और यहाँ पर हमने कुछ टेस्ट भी करके देखे जो कि परफॉर्मेंस वाइज काफी बढ़िया जो एक्यूरेसी निकाल के दे रहे हैं, मतलब ऑक्सीमीटर के साथ आपको डिक्टो जो मैं कहूंगा कि जो मॉनिटरिंग है वो दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि इस तरह की जो स्मार्ट वॉचेस होते हैं या फिर स्मार्ट डिवाइस होते हैं, इनको अपने हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए यूज मत किया करो, क्योंकि मेडिकल ग्रेड के इक्विपमेंट ज्यादा बेटर होते हैं इन डिवाइसेस से। अच्छा बैटरी की बात और कर लेता हूँ, यहाँ पर लगभग भाई 7 दिन का बैटरी आउटपुट क्लेम किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर बड़ी बैटरी मिलती है। और मैं बोलना चाहूंगा जब आप कॉलिंग का फीचर यूज करोगे ना, तो 7 दिन का बैटरी आउटपुट नहीं मिलेगा आपको, लगभग 3 से 4 दिन के आसपास आपको बैटरी आउटपुट मिल सकता है, और ज्यादा यूजेज करोगे तो भाई उससे भी थोड़ा कम आपको मिल सकता है। अब बात करता हूँ ऐप की, तो यहाँ पर जो ऐप है वो है FP Invincible Plus। कुछ नई ऐप इस बार इन्होंने लॉन्च करी है फायरबोल्ट की स्मार्ट वॉच के लिए, तो भाई उसको जाकर डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, पेयर कर सकते हो, और वहां से आप अपने वॉच फेसेस या फिर मैं बोलना चाहूंगा कि नोटिफिकेशन एरिया, या फिर बोलना चाहूंगा नोटिफिकेशन, शटर कंट्रोल, ये सारी चीजें भाई, फोटोग्राफी, ये सारी चीजें वहां से आप एक्सेस कर पाओगे। बाकी गाइस अब बात करते हैं इसके गिव अवे की, तो काफी लोग ना भाई मेरे को मैसेज जरूर करेंगे कि भाई ये वॉच हमें सेल कर दो 2000 में 3000 में, लेकिन बता दूं भाई ये सेल के लिए नहीं है, ये जो वॉच है भाई गिव अवे में देने वाला हूं मैं, एक गिव अवे करने वाले इसे स्मार्ट वॉच का। तो जो भी कमेंट आप कर सकते हो भाई कर देना, बढ़िया बढ़िया कमेंट, और एक ही कमेंट को रिपीट मत करना, वीडियो को लाइक कर देना। और जो टारगेट है लाइक का वो है 4500 लाइक्स इस वीडियो के लिए, और टेलीग्राम पे भाई फॉलो करना मैंडेटरी है भाई, ये ध्यान में रख लेना। तो लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, फॉलो कर लेना। और इसकी बात अब कर लेते हैं कंक्लूजन की, भाई गिव अवे के लिए मैंने सब कुछ बता दिया, अब बात करते हैं इसकी कंक्लूजन की। तो भाई ये जो वॉच है ये 5000 रुपए के अंदर लॉन्च हुई है, मेरे सबसे बेस्ट वॉच है, वैल्यू फॉर मनी वॉच है इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर, और इससे बढ़िया अभी तक वॉच मुझे लगता नहीं कि इस साल या फिर पिछले साल भी कोई लॉन्च हुई थी, जिसके अंदर आपको क्राउन वर्किंग है, बड़ी डिस्प्ले, मैटेरियल बिल्ड क्वालिटी, और यहाँ पर आपको एमोलेड डिस्प्ले बस नहीं मिलती, बाकी सारे जो फीचर्स हैं इस वॉच के अंदर आपको मिल जाते हैं। तो भाई एक नंबर की वॉच है, बिल्कुल जा सकते हो, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है अगर आप 5000 रुपए के अंदर कोई ऐसी स्मार्ट वॉच ढूंढ रहे हो।
लिंक मिल जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन में, जाके बाय कर सकते हो। ये वीडियो यहीं पर खत्म कर रहा हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और भाई बढ़िया से बढ़िया जो कमेंट्स है गिव अवे के लिए आप कर सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर।